तो हेलो, वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं और हाजिर हूं आज एक नई वीडियो के साथ। क्योंकि अभी ये मार्च महीने में एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, उसके बाद एग्ज़ाम्स की छुट्टियां चल रही थी, तो हमने वीडियोस की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा कम कर दिया था। बट अब वापस से अप्रैल आ चुका है, नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो अब हम फिर से जमकर अपने नए क्लासेस की तैयारी में लग जाएंगे। मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि क्लास 8 का होल सिलेबस अवेलेबल है चैनल पे, तो जाओ। जो भी क्लास 7 वाले क्लास 8 में गए, जल्दी से जाके चैनल को एक्सप्लोर करो और अपने क्लास 8 की तैयारी स्टार्ट कर दो। सिमिलरली फॉर क्लास 9 सेलिना मैथ्स का हर एक चैप्टर अवेलेबल है चैनल में। जो भी क्लास 9 में भी प्रमोट हुए हैं, जल्दी से जाओ और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। रहा बात क्लास 10 की, तो 10 के भी सारे वीडियोज इंपॉर्टेंट जो भी है वो सब अवेलेबल है। बट क्योंकि क्लास 10 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होता है हर एक स्टूडेंट के नज़रिए से, बिकॉज पहली बार आप लोग बोर्ड्स देने वाले होते हो, क्लास 10 बहुत वैल्यू रखता है लाइफ में, इसीलिए क्लास 10 का एक नया प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने क्लास 10 का मैथ्स का जो पहला चैप्टर है बैंकिंग, उसका वीडियो अपलोड कर दिया है। उस प्लेलिस्ट के साथ बने रहो, क्लास 10 का हर एक वीडियो टाइमली उस पर अपडेट होता रहेगा। जीएसटी का भी फर्स्ट एक्सरसाइज हमने उसमें अपडेट कर दिया है। आज मैं, जैसा कि आप देख सकते हो, जीएसटी का सेकेंड एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। मैंने इस्तेमाल किया है सेलिना कॉन्साइज मैथमेटिक्स ICSE का, बट आप चाहो तो किसी भी बुक का इस्तेमाल करो, बिकॉज कॉन्सेप्ट सारे ही सेम होते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूँ, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, और जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर आप हमसे 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने किसी भी डाउट को सॉल्व करवा सकते हो। बहुत से स्टूडेंट ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया था और एग्जाम टाइम उन्हें बहुत सी हेल्प मिली थी। तो देर मत करो, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर से दबाना, बिकॉज तभी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चैनल को अपना प्यार दो, बिकॉज आपके प्यार की वजह से ही हमें अप्रिशिएशन मिलता है कि हम ऐसे खूंखार गर्मी में भी वीडियोस बना सके, रात को भी वीडियोस बना सके, तो ये सब आपके अप्रिशिएशन का नतीजा है। तो जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर काउंट को बढ़ाओ यार, हमें कम से कम 10K का टारगेट तो पूरा करना है। तो चलो, आज हम करने वाले हैं जीएसटी। जिसने भी जीएसटी का फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं देखा है, वो जाकर मस्ट है उसे देखो, बिकॉज अगर आप जीएसटी का फर्स्ट एक्सरसाइज ही नहीं देखोगे, जिसमें मैंने जीएसटी का हर एक कॉन्सेप्ट समझाया है, तो सेकंड एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या देखा था? तो हमने देखा था कि ये जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये देखने के बाद हमने ये भी देखा था कि वेरियस टाइप ऑफ जीएसटी क्या होती है, CGST क्या होती है, SGST क्या होती है, IGST क्या होती है। हमने ये भी देखा था कि एक ट्रांजैक्शन मतलब जो गुड्स और सर्विसेज का लेन देन है, वो इंटर स्टेट भी हो सकता है। इंटर स्टेट मतलब मान लो ये एक स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है, स्टेट 1 और स्टेट 2, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब गुड्स का ट्रांजैक्शन होता है तो उसे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं, और किसी एक ही स्टेट के दो जगहों के बीच में गुड्स का ट्रांजैक्शन होता है तो उसे इंट्रा स्टेट कहते हैं। और हमने बहुत अच्छे से सीखा था कि जब भी हम लोग का इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो उस केस में CGST और SGST लगता है। मान लो जीएसटी का टोटल परसेंट 18% रहा, तो CGST लगेगा 9% और SGST लगेगा 9%। बट अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, मतलब किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल दिल्ली टू बॉम्बे, तो उस केस में क्या लग जाता है? IGST, यानी कि जो आपका जीएसटी का परसेंटेज है सपोज 10%, तो वो पूरा का पूरा एक बार में गवर्नमेंट ले लेती है। और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखा था कि जीएसटी हमेशा आपके सेलिंग प्राइस पे लगता है। सेलिंग प्राइस मतलब बेचने के दाम पे। सपोज करो किसी दुकानदार ने बोला कि इस चीज का दाम है 1000 रुपीज, बट मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा, और उसने आपको उसी सामान को बेचा 900 रुपीज में, तो जीएसटी किस पे लगेगा, 1000 पे कि 900 पे? तो 900 पे लगेगा, क्योंकि हम जीएसटी हमेशा किस पे भरते हैं, तो सेलिंग प्राइस पे भरते हैं। तो जिसने भी फर्स्ट एक्सरसाइज को नहीं देखा, वहां पे ये सब कॉन्सेप्ट हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो जल्दी से जाकर फर्स्ट एक्सरसाइज को तो जरूर से देखो, तभी से स्टार्ट करो। फर्स्ट एक्सरसाइज की दो इंपॉर्टेंट बातें मैंने फिर से रिविजन करवा दी कि जीएसटी हमेशा किस पे लगता है, सेलिंग प्राइस पे लगता है। जीएसटी एक तरह का क्या है, वन नेशन वन टैक्स बोल के लाया गया था इसे, एक टैक्स है जो हम जब भी गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन करते हैं, खरीदते हैं, तो हम लोग भरते हैं उसे, तो सेलिंग प्राइस पे हमेशा जीएसटी लगता है।
और दूसरा ये हमने सीखा कि इंट्रा स्टेट के समय जीएसटी को कैसे कलेक्ट किया जाता है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में, और इंटर स्टेट के केस में कैसे किया जाता है, तो आईजीएसटी के रूप में, है ना। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये सब उसके फुल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो हमने जीएसटी का ये छोटा सा रिविजन भी कर लिया, बट आज का एक्सरसाइज और भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं एक वर्कफ्लो, एक चार्ट बनाऊंगा और उस चार्ट के जरिए आपको इस ट्रांजैक्शन को समझाऊंगा। अगर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज की ये कुछ गिने चुने कॉन्सेप्ट को सीख लिया, जैसे कि जीएसटी हमेशा एसपी पे लगता है, दूसरा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट का कॉन्सेप्ट, और ये इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स का ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए, उसके बाद जीएसटी चैप्टर से जो भी समय आप उसे फोड़ के आओगे और फुल में फुल मार्क्स स्कोर करोगे। तो इस वीडियो के साथ जरूर से बने रहना, वीडियो लंबा हो सकता है, बट अगर आपको सही से समझना है तो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा ही, क्योंकि हमें हंसी मजाक छोड़ के अभी, जब हंसी मजाक आप दूसरे टाइम पे भी कर सकते हो, बट अभी हम लोग को पढ़ने के टाइम पे एकदम सीरियस पढ़ना है और इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखना है। तो वीडियो के साथ बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो और वीडियो को फैलाओ दोस्तों तक। हमें 10K का टारगेट जल्द से जल्द हिट करना है ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले, वरना किस बात का वीडियो बनाएंगे हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अब मैं एक चार्ट बनाता हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं एक ट्रांजैक्शन को और समझते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को। देखो, तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल को समझने से पहले ये कंसिडर कर लो कि ये जो हम लोग का ट्रांजेक्शन हो रहा है वो असल में इंट्रा स्टेट ही हो रहा है, इंटर स्टेट हो रहा है, यानी कि सपोज दिल्ली टू बॉम्बे हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग जीएसटी के परसेंटेज को, जो टोटल होता है सपोज 18, तो उसको 9-9 ऐसे बांटेंगे नहीं, एक ही कंसिडर करेंगे कि सपोज यहाँ जीएसटी का परसेंटेज 10% है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है एक मैन्युफैक्चरर, और ये मैन्युफैक्चरर क्या बनाता है, तो टीवी सेट बनाता है। तो मैन्युफैक्चरर ने टीवी सेट को बनाया, फिर उसे बेचा। सबसे पहले जान लो, जिस चीज को आप जिस दाम पे खरीदते हो उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जिसमें बेचते हो उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो मैन्युफैक्चरर ने क्योंकि टीवी सेट को बेचा, तो जिस दाम पे बेचा उसे क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। तो मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस है यहाँ पे 10,000 रुपये, ठीक है। और अब जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज किसी कोई इंसान खरीदता है तो उसके लिए टैक्स भरता है, जीएसटी भरता है। तो मैन्युफैक्चरर क्या बोलेगा आपको कि 10,000 तो मेरे टीवी का दाम हुआ, बाकी इस 10,000 पे आपको जीएसटी भी भरना होगा, जो प्रेजेंट परसेंटेज है उसके हिसाब से। तो क्योंकि जीएसटी का परसेंटेज 10% है, तो 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपये, तो आपको टोटल बिल अमाउंट कितना देना होगा, 10,000 रुपये टीवी का और 1,000 रुपये जीएसटी, ठीक है। तो जो शॉपकीपर जिसने इस मैन्युफैक्चरर से टीवी सेट खरीदा, उस शॉपकीपर ने टीवी का टोटल दाम कितना दिया मैन्युफैक्चरर को, तो 11,000 रुपये, 10,000 टीवी का दाम और 1,000 रुपये जीएसटी, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरर अपना जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देगा। सिमिलरली अब आई बारी शॉपकीपर की। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा, मतलब शॉपकीपर ने जब टीवी को मैन्युफैक्चरर से खरीदा तो उसे कितना पड़ा, तो उसने टोटल पे तो 11,000 किया, फिर भी उसका कॉस्ट प्राइस यानी खरीदने का दाम हम लोग 10,000 लिखते हैं। क्यों? उसने बेचा, असल में एक्चुअली में उसने खरीदा 11,000 दे के, 10,000 टीवी का दाम और 1,000 रुपये जीएसटी, बट यहाँ पे हम लोग सीपी लिखते हैं शॉपकीपर का, कितना, 10,000 रुपये। तो वो जो 1,000 है वो कहाँ गया, तो वो 1,000 को हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसे हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, और 1,000 रुपये अलग से मैंने यहाँ लिख दिया, ध्यान से सुनो। तो अब ये जो शॉपकीपर है उससे टीवी को थोड़ा प्रॉफिट लगा के ही बेचा होगा, जिस दाम में लाया उसी दाम में तो नहीं बेच दिया, तो उसका सीपी क्योंकि 10,000 था, तो सपोज उस शॉपकीपर ने इस टीवी को कस्टमर को बेचा 15,000 रुपये में, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि सेलिंग प्राइस कितना है, 15,000 रुपये। तो अब शॉपकीपर भी कस्टमर से सिर्फ 15,000 थोड़ी लेगा, 15,000 तो वो टीवी का दाम है, बाकी जीएसटी भी तो अलग से लेगा, तो 15,000 हुआ टीवी का दाम, उस पे 10% जीएसटी यानी कि 1,500 रुपये। तो टोटल बिल कितना बना के देगा, बोलेगा 15,000 हुआ टीवी का और उस पे 10% जीएसटी यानी 1,500 रुपये, तो टोटल आपको कितना भरना पड़ेगा, 16,500 रुपये। तो कस्टमर जो है वो शॉपकीपर को कितना भरेगा, 16,500 रुपये, जिसमें से 1,500 रुपये क्या है, जीएसटी है, ठीक है। तो अब शॉपकीपर को देखो ध्यान से, शॉपकीपर 1,000 रुपये जीएसटी भरा था, जिसको हमने बोला था इनपुट टैक्स
क्रेडिट। तो शॉपकीपर ने जब खुद खरीदा था टीवी बेचने के लिए तो उस समय उसने टैक्स भर दिया था, उसे हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलेंगे। और जब शॉपकीपर ने बेचा कस्टमर को तो उस समय उसने जीएसटी वसूला भी, और किस पे वसूला? अपने सेलिंग प्राइस पे वसूला। तो उस समय जो आता है उसे आप आउटपुट टैक्स क्रेडिट भी बोल सकते हो या फिर नॉर्मल जीएसटी बोल दो। तो ये 1500 रुपये उसने कस्टमर से वसूले, तो अब वो गवर्नमेंट को क्या देगा? क्या वो गवर्नमेंट को ये पूरा 1500 ले जाके दे देगा? 1500 नहीं देगा, क्योंकि 1000 तो पहले शॉपकीपर दे के आ ही चुका है। तो वो क्या देगा? 1500 माइनस 1000, यानी 500 रुपये जाके अब गवर्नमेंट को देगा। तो शॉपकीपर गवर्नमेंट को कितना देगा? 500 रुपये देगा। तो ये साइकिल ऐसे ही आगे चल सकता था। मान लो ये शॉपकीपर किसी छोटे शॉपकीपर को बेचता, फिर वो छोटा शॉपकीपर किसी और को बेचता, तो सेम चीज़ होता। कभी भी जैसे हमने यहाँ देखा कि इस शॉपकीपर ने टोटल 11000 रुपये पे किए थे, लेकिन उसने सीपी 10000 माना, जीएसटी को इनपुट टैक्स क्रेडिट में गिना। उसके बाद जब उसने जीएसटी वसूल लिया तो दोनों का डिफरेंस ले जाके गवर्नमेंट को दे दिया, ठीक है। बट हमारे केस में क्या हो रहा है कि जो लास्ट में है वो कस्टमर है, कस्टमर है यानी हमारे आप जैसे लोग हैं जो टीवी पे धंधा नहीं करते, टीवी नहीं बेचते। तो हम जैसे कस्टमर जब टीवी को खरीदेंगे तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि आपका टीवी का कितना पड़ा, तो हम लोग डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि हमने टीवी का टोटल 16500 रुपये भरा। जरूरी नहीं है कि हम ऐसा बोले कि 15000 मैंने टीवी का भरा और 1500 रुपये जीएसटी भरा। टोटल टीवी मुझे कितना का पड़ा? 16500 का पड़ा ना। तो मेरे केस में वो इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स क्रेडिट वो सब नहीं रहेगा, क्योंकि मैं एंड यूज़र हूँ, मैं अब किसी और को ये ट्रांजैक्शन नहीं करने जा रहा, ठीक है। दैट्स इट। तो बस यही है ओवरऑल कॉन्सेप्ट, इसे जान लो। बाकी ये बहुत ध्यान में एकदम गार्ड बांध लो कि एसपी पे हमेशा जीएसटी लगता है। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन क्या होता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी क्या होता है, और ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला सिस्टम हमने सीखा। जिसने भी पहला चैप्टर नहीं देखा है, पहला वीडियो नहीं देखा है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो जल्दी से जाओ पहले वीडियो को तो ज़रूर से देखो, ठीक है। तो अब हम लोग जंप करेंगे डायरेक्ट एक्सरसाइजेस पे और सम्स को बनाएंगे और ऐसे ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स को और सीखेंगे। तो देखो हमारा यहाँ जो पहला क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया से जो हमने अभी कॉन्सेप्ट को सीखा और जो पिछले एक्सरसाइज में सीखा था, दोनों का मिक्सचर है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फॉर ₹15,000 अंडर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह में ए टू बी सामान पहुंचाया गया, ये कैसा ट्रांजैक्शन है ये सबसे पहले आपको ध्यान देना है। तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन मतलब विद इन द बाउंड्रीज ऑफ सेम स्टेट, यानी कि यहाँ पे सी जी एस टी और एस जी एस टी दोनों लगेगा, टोटल जी एस टी का परसेंटेज हाफ ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है ए टू बी वो कितना का हुआ है, तो 15000 रुपये का हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एसपी एट स्टेशन ए, स्टेशन ए वाले ने जो बी को बेचा तो एसपी क्या होगा, तो इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है सोल्ड फॉर ₹15,000, तो एसपी कितना होगा, 15,000, ठीक है, एसपी 15,000 होगा। सेकेंड बोल रहा है सी जी एस टी और एस जी एस टी कितना होगा, तो देखो जैसे कि क्वेश्चन ने 12% टोटल रेट दिया है, तो 6% होगा सी जी एस टी और 6% ही होगा एस जी एस टी। आप 6% ऑफ 15,000 निकाल दो। क्यों 15,000? क्योंकि हमेशा एस पी पे ही जी एस टी लगता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, तो ₹900 हो गया आपका, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, यानी कि ये सी जी एस टी और एस जी एस टी दोनों ही ₹900 हो जाएगा। ये वाला आपका कितना हुआ था, तो 15,000 हो गया। थोड़ा स्पेस का कमी है तो मैं यहीं लिख दे रहा हूँ। सी पी एट स्टेशन बी, ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी तुरंत सीखा। देखो जो स्टेशन बी वाले हैं ने कितना दिया, ए को बी वाले ने दिया ₹15,000 उस गुड्स एंड सर्विसेस का, साथ में 900 प्लस 900 यानी ₹1,800 टैक्स भरे। ₹1,800 उसने टोटल जीएसटी भरे, जिसमें 900 उसने सीजीएसटी दिया और 900 उसने एसजीएसटी दिया। तो एक बात बताओ, क्या सीपी एट स्टेशन बी, स्टेशन बी वाले का टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, क्या बोलोगे आप? तो यहाँ पे आप बोलोगे कि उसने उसका सीपी 15,000 रुपये ही है। तो ये 1800 क्या है, तो 1800 सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ठीक है, वो सीपी नहीं है। जो ए का एसपी होगा वही बी का सीपी होगा, अलग से भरा हुआ जीएसटी को इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 15,000 ही है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, इफ प्रॉफिट इक्वल्स टू 5,000 एसपी एट स्टेशन बी,
अब बोल रहा है स्टेशन बी वाले ने भी किसी को बेचा होगा और उसने प्रॉफिट कमाया 5,000 रुपये, तो उसका एसपी बताओ। तो सीधी सी बात है, उसने 1,500 रुपये अगर उसका सीपी है, 5,000 रुपये उसका प्रॉफिट है, तो सीधी सी बात है कि उसका कितना हो गया एसपी, तो 20,000 रुपये हो गया। ठीक है, और बोल रहा है यही जो गुड्स एंड सर्विसेज है जो बी ने सी को बेचा 5,000 के प्रॉफिट में, उस गुड्स एंड सर्विसेज को का ट्रांजैक्शन कैसा वाला है, तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगता, क्या लगता है आईजीएसटी। ठीक है, और रेट कितना है, तो 12% है, तो 12% ऑफ कितना होगा 20,000 होगा। क्यों? क्योंकि जब हमने बी टू सी बेचा तो यहां पे एसपी कितना था 20,000, है ना, यहां हमने लिख रखा है 20,000 था, तो इसीलिए यहां जीएसटी 20,000 पे निकलेगा। ठीक है, तो 2,400 रुपए। नेक्स्ट है सीपी एट स्टेशन सी, तो स्टेशन सी पे सीपी क्या होगा, तो जो बी का बेचने का दाम वही सी का खरीदने का दाम, जीएसटी अलग से नहीं लेना है, तो सीपी एट स्टेशन सी क्या होगा, तो वो होगा 20,000 रुपए। ठीक है, दैट्स इट। देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट निकल के सामने आएंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम आगरा टू कानपुर, और दोनों ही यूपी में है, तो सबसे पहले तो डिसाइड हो गया ये जो आगरा से कानपुर का ट्रांजेक्शन है वो इंट्रा स्टेट है। ठीक है, फॉर रुपीज 20,000, 20,000 के गुड्स का लेन देन हुआ, एंड देन फ्रॉम कानपुर टू जयपुर, फिर वही सेम गुड कानपुर टू जयपुर चला गया, और इस बार कानपुर टू जयपुर वाला ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट है बिकॉज अलग अलग स्टेट है। रेट ऑफ जीएसटी कितना है 18%, प्रॉफिट मेड एट कानपुर है 5,000। आपको दो चीज निकालने बोला है, नेट जीएसटी पेएबल बाय द डीलर एट कानपुर और कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट जयपुर, तो इसे टुकड़ों में करते तब अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले बोल रहा है आगरा से कानपुर में ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है, और आगरा से कानपुर का जो ये ट्रांजैक्शन है वो कितने का हुआ 20,000 का हुआ। ठीक है, और ये कैसा ट्रांजैक्शन है, तो इंटरा स्टेट। ठीक है, टोटल जीएसटी था 18%, बट सी जीएसटी अब की बार लगेगा 9% और एस जीएसटी लगेगा 9%, दोनों क्यों लगेगा, क्योंकि इंटरा स्टेट है ट्रांजैक्शन। अब क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा है कि ये जो डीलर एट कानपुर है उसने नेट जीएसटी कितना भरा। ठीक है, तो देखो इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो बात, तो डीलर एट कानपुर का फिलहाल उसने आगरा वाले को कितना जीएसटी भरा, तो 9% ऑफ 20,000 निकालो, तो वो ऑब्वियस सी बात है 1,800 रुपए होंगे, और उसने सी जीएसटी और एस जीएसटी दोनों 1,800 रुपए भरे। ठीक है, तो एक तरह से अगर हम लोग कानपुर वाले के लिए सब डिटेल्स लिखे तो हम लोग बोलेंगे कि कानपुर वाले का सीपी कितना था 20,000 था, और जो उसने जीएसटी भरा उसे क्या बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हुआ कानपुर वाले के लिए, तो वो हुआ 3,600 रुपए। क्यों? क्योंकि उसने उतना ही जीएसटी किसको दिया, ये आगरा वाले को, है ना, आगरा वाले का एसपी था 20,000 रुपए और उसने जीएसटी वसूला 3,600 रुपए। ठीक है, इतना दूर सब कुछ क्लियर है। अभी हम लोग का नेट जीएसटी कानपुर वाले का नहीं निकला है बिकॉज कानपुर वाला लास्ट इंसान नहीं है, उसने फिर किसी और को वो चीज बेचा है, तो नेट निकालने के लिए कुछ और अब लगेगा, तो कानपुर वाले ने किसको बेच दिया, जयपुर वाले को बेच दिया। ठीक है, कानपुर वाले ने जयपुर वाले को बेच दिया, और इस बार जो ट्रांजैक्शन है वो इंटर स्टेट है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि कानपुर वाले ने जब जयपुर वाले को बेचा तो उसने 5,000 का प्रॉफिट कमाया। ध्यान दो, कानपुर वाले का सीपी है 20,000 और प्रॉफिट है 5,000, तो जयपुर वाले कानपुर वाले का एसपी कितना होगा, एसपी यहीं पे लिखते हैं, इसका एसपी होगा 25,000। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को अभी ध्यान मत दो, इसका एसपी कितना हो गया 25,000 रुपए। अब जयपुर वाला और कानपुर वाला ट्रांजैक्शन तो इंटर स्टेट है, तो वो आईजीएसटी भरेगा, ये जो जयपुर वाला है वो क्या क्या भरेगा, वो सबसे पहले अपना कॉस्ट प्राइस भरेगा जो कि है 25,000 रुपए, और साथ ही साथ क्या भरेगा आईजीएसटी जो है 18% ऑन 25,000, है ना, तो 18/100 × 25,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा निकाल लो, 25 × 18 = 540, यहाँ पे 16 20,
यहाँ 5 और यहाँ पे 2, ठीक है, तो 450, तो 4500, ठीक है, तो इतना ये जीएसटी भर देगा, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, हम लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन ने पूछा था कि नेट जीएसटी पेबल बाय द डीलर एट कानपुर, हम लोग अब क्या करेंगे, ये जो नेट जीएसटी है वो कितना भरेगा, हम लोगों ने तुरंत एग्जांपल में ही देखा था थोड़ी देर पहले, क्या कि उसने जितना जीएसटी भरा यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसको सब्ट्रैक्ट कर देगा जितना जीएसटी उसने वसूला, यानी वो नेट जीएसटी भरेगा 4500 - 3600, यानी वो कितना हो गया, तो 400 इधर और 500 इधर, यानी 900 रुपये, तो नेट जीएसटी वो कितना भरेगा, 900 रुपीज, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट जयपुर, आपसे ऐसे ओवरऑल क्वेश्चन ने पूछा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट जयपुर, जयपुर में अगर कोई इंसान उस गुड्स एंड सर्विसेज को इंजॉय करता है तो उसे उसका ओवरऑल कॉस्ट कितना होगा, तो इस केस में आप बोलोगे टोटल होगा 25,000 + 4,500, यानी 29,500। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहाँ क्वेश्चन ने पूछा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट जयपुर, जैसे मैं आपसे कहूँ कि जयपुर में सपोज ये गुड्स एंड सर्विसेज टीवी होता, तो जयपुर में टीवी कितने का मिलता है, मैं एक एंड यूजर हूँ, मुझे आगे किसी और को नहीं बेचना, तो मेरा जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है, वो पूरा लग गया, मेरे को वापस नहीं मिलेगा किसी और को बेच के, तो इसीलिए ये उसी सेंस में पूछा गया है कि सपोज टीवी, तो टीवी का जयपुर में क्या दाम है, तो मैं बोलूँगा 29,500 है, मैं ऐसा थोड़ी बोलूँगा कि 25,000 है जिसमें से 4,500 टैक्स है, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो वापस नहीं मिलने वाला, तो इस केस में मेरे लिए सीपी 25,000 नहीं होगा, ये कानपुर वाले के केस में होगा। बट जब आपसे पूछ ले कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जयपुर में क्या है, एंड यूज़र जब भी ऐसा पूछता है, मतलब एंड यूज़र का पर्सपेक्टिव पूछ रहा है, तो वो होगा 29,500, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये काफ़ी इजी सा, मैं यहाँ क्या बोल रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम कोटा टू मुंबई फॉर ₹20,000 एंड फ्रॉम देन मुंबई टू पुणे, तो कोटा टू मुंबई, कोटा ऑब्वियसली राजस्थान में, तो कोटा टू मुंबई वाला ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है, बट मुंबई और पुणे सेम महाराष्ट्र में ही है भाई, तो मुंबई टू पुणे आपका आपका सेम जगह पर ही पड़ता है, यानी वो इंट्रा स्टेट है। If rate of GST is 12% and profit made at Mumbai is 5,000, find the net GST paid at Pune. तो हम लोगों को निकालना है लास्ट में पुणे वाला क्वेश्चन में, पुणे में वाला जीएसटी निकालना है, और डीलर एट पुणे इज द एंड यूजर, ऐसा बोला है। तो सीधा सा बात है, सबसे पहले कोटा टू मुंबई गया, कोटा टू मुंबई गया, ठीक है, कितना का गुड्स एंड सर्विसेज था, 20,000 का था, तो इसने 20,000 में बेचा और मुंबई वाले ने 20,000 में खरीदा, ठीक है। मुंबई वाले ने जो भी टैक्स भरा होगा वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, बट क्वेश्चन में उसका ज़रूरत है ही नहीं। अब मुंबई वाले ने किसको बेचा, मुंबई वाले ने पुणे वाले को बेचा, कितने के प्रॉफिट पे, तो 5,000 पे, तो यानी कि यहाँ पे जो मुंबई वाला है, मुंबई वाले का एसपी कितना है, 25,000 रुपये, ठीक है। तो मुंबई वाला पुणे वाले से क्या लेगा, जीएसटी लेगा 12% के हिसाब से, इंटरा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लेगा 6-6%, तो 6% ये भरेगा 25,000 पे और दूसरा 6% भी भरेगा 25,000 पे, एक केस में सीजीएसटी, एक केस में एसजीएसटी, ठीक है। तो 25 × 6 कितना होगा, 150, ठीक है, तो 1500 1500, यानी वो 3,000 टोटल जीएसटी भरेगा, कौन, पुणे वाला, तो बस पुणे वाला का नेट जीएसटी कितना होगा, 3,000 रुपये। इस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो शॉपकीपर्स के केस में होता है, पुणे वाला तो एंड यूज़र है, ठीक है। बहुत सिंपल सा था, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होमवर्क है, क्यों, बिकॉज वो बिल्कुल सिमिलर है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ क्या बोल रहा है, डीलर एक्स इन हपूर सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज ₹50,000 टू सम अदर डीलर वाई, तो डीलर एक्स ने डीलर वाई को बेचा, कितना का गुड्स बेचा, 50,000 का बेचा, सेम सिटी में बेचा, इंट्रा स्टेट। नाउ द डीलर वाई सप्लाइज द सेम गुड्स एंड सर्विसेज टू डीलर एट कैलकाटा एट प्रॉफिट ऑफ 20%, इसने डीलर जेड, डीलर वाई ने डीलर जेड को बेचा कितने पे, 20,000 पे बेचा, ठीक है। चलो, तो फाइंड द आउटपुट एंड इनपुट टैक्स फॉर डीलर वाई, ठीक है, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स पूछ रहा है, और नेट जीएसटी पेबल बाय द डीलर वाई, ठीक है,
रेट ऑफ जीएसटी एट ईच स्टेज, ठीक है, हर समय 28% ही लग रहा है जीएसटी। चलो तो बहुत सिंपल सी बात है, एक्स ने, एक्स का एसपी कितना है, 20,000 रुपए है, तो वाई के लिए सीपी कितना हो गया, 20,000 हो गया, ठीक है, 50 है। तो यहाँ पे सीपी 50 है, तो इसका सॉरी डीलर एक्स का एसपी 50 है, तो डीलर वाई का सीपी 50 हो गया। डीलर वाई ने जीएसटी कितना भरा, तो उसको हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोल सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना भरा, तो ये वाला सेम सिटी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, टोटल 28% है, तो 14% उसने एसजीएसटी भरा होगा, 14% सीजीएसटी भरा होगा, तो 14% ऑन 50,000, ठीक है, तो 7,000 रुपये उसने भरा सीजीएसटी और 7,000 भरा एसजीएसटी, यानी टोटल कितना भरा इनपुट टैक्स, तो 7,000 + 7,000 क्या हो गया, ₹14,000, ठीक है। पर आप लोग पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखना कि सीजीएसटी 7,000 और एसजीएसटी 7,000, ठीक है। अब इसी वाई डीलर ने जेड को बेच दिया, किस में बेचा, तो 20,000 के प्रॉफिट में बेचा, यानी कितने में बेचा, 70,000 में बेचा, और कितना जीएसटी लिया, तो जीएसटी भाई 28% लिया। तो यही जो जीएसटी उसने वसूला जेड से, उसे क्या बोलेंगे, आउटपुट टैक्स बोलेंगे, और वो टोटल कितना होगा, 28% होगा। तो आपको 28% निकाल देना है किस पे, 70,000 पे। तो 7856 59196 और यहां पे 0 और 0, ठीक है। तो उसने जीएसटी भरा 14,000 और जीएसटी वसूला 19,600, तो उसने नेट जीएसटी कितना भरा, अगर हम लोग आउटपुट टैक्स लिखेंगे तो वो हो जाएगा 19,600, इनपुट टैक्स लिखेंगे तो वो हो जाएगा 14,000, और नेट जीएसटी कितना होगा, तो नेट होगा आपका दोनों का डिफरेंस 5,600। दैट्स इट। मैंने कहा था कि अगर आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लो जीएसटी का, फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ कॉन्सेप्ट और सेकंड के, फिर ये चैप्टर बिल्कुल हलवा है। तो चलो ये खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है, बट एक छोटा सा ट्रिक है, इसलिए मैं इसे लिख रहा हूँ। कंसल्टेंसी सर्विसेज ₹50,000 का है, वो दिल्ली टू कोलकाता में है, जीएसटी रेट 18% से, और कैलकाटा से नैनीताल में भी है, जीएसटी रेट 18% पे ही। दिल्ली टू कोलकाता वो 50,000 का कॉस्ट है, और कैलकाटा टू नैनीताल में 20,000 का और प्रॉफिट, यानी कि 70,000 का कॉस्ट है। आपसे पूछा है कि दिल्ली में कितना आउटपुट टैक्स है, कोलकाता यानी कैलकाटा में कितना है, और नैनीताल में कितना है, तीनों में आउटपुट टैक्स निकालना है, तो वो सब झमेला तो है ही नहीं यहाँ पे। नेट टैक्स निकालने के लिए आउटपुट माइनस इनपुट उतना कुछ नहीं, ठीक है, इसमें सिर्फ वो टैक्स निकालना है जो वसूला गया, ठीक है। तो दिल्ली, कैलकाटा यहाँ लिखा है तो वही लिख देता हूँ, और यहाँ नैनीताल, ठीक है। तो दिल्ली वाले ने कैलकाटा वालों को बेचा, तो ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है, तो अब बस आप वो तो डायरेक्टली निकाल ही दोगे 50,000 का। यहाँ पे एसपी को 50,000 पकड़ना है, यहाँ पे एसपी को 70,000 पकड़ना है कैलकाटा से नैनीताल के केस में, है ना, और 18% निकाल देना है किसका, 70,000 का, ठीक है। बट यहाँ नैनीताल के केस में आउटपुट टैक्स क्या होगा, तो देखो नैनीताल वाला किसी और को बेचने नहीं जा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है कि नैनीताल वाला किसी को बेचा है, ठीक है। तो नैनीताल वाला के केस में आउटपुट टैक्स उसे मिलेगा ही नहीं। अब जैसे मैं एंड यूज़र हूँ, तो मैं थोड़ी ना जीएसटी लूँगा अब किसी से, जो टीवी या कुछ भी मैंने खरीदा, तो सिमिलरली यहाँ नैनीताल वाले ने किसी को बेचा ही नहीं, तो उसका आउटपुट टैक्स 0 होगा। बस यही इस पे था, बाकी इससे पहले का सारा कॉन्सेप्ट तो हम लोग कर ही चुके हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो बहुत बढ़िया और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ क्या बोल रहा है कि फॉर अ डीलर ए द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 27,000। एक है डीलर ए, ठीक है, और उस आर्टिकल पे दाम कितना मेंशन किया हुआ है, लिस्ट प्राइस मतलब जो छपा हुआ दाम है उस आर्टिकल पे, वो है 27,000 रुपये। उसने ये आर्टिकल किसे बेच दिया, डीलर बी को बेच दिया, ठीक है, बट एट सम लोअर प्राइस, मतलब उसने लिस्ट प्राइस यानी 27,000 में नहीं बेचा, थोड़े कम दाम में बेचा, कितने कम दाम में बेचा वो नहीं बोला है। फर्दर द डीलर बी सेम सेल्स द सेम आर्टिकल टू कस्टमर एट इट्स लिस्ट प्राइस। अब बी ने किसको बेच दिया, कस्टमर को बेच दिया, और बी ने कस्टमर को कितने में बेचा, तो बी ने कस्टमर को लिस्ट प्राइस में ही बेचा
तो लिस्ट प्राइस था 27,000, पर बी ने खुद खरीदा था उससे थोड़े कम में, ठीक है, और बेचा कस्टमर को कितने पे, 27,000 में ही। इफ रेट ऑफ जीएसटी इज 8%, रेट ऑफ जीएसटी 8% और बी ने नेट जीएसटी भरा है 1944 रुपीज, तो आपको ओवरऑल निकालना है कि बी ने ए को कितना टोटल पैसा दिया इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब उसने आर्टिकल के लिए कितना भरा वो भी और जीएसटी कितना भरा वो भी निकालना है। तो सुनो ध्यान से, लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल था 27,000 रुपए, बट ए का एसपी कितना होगा, ए का एसपी 27,000 होगा क्या? नहीं, उसने कुछ कम दाम में बी को बेचा, उस कुछ कम दाम को हम लोग एक्स पकड़ते हैं, तो इसका आर्टिकल का दाम हो जाएगा 27,000 माइनस एक्स, मतलब इस दाम में इसने वो बी को बेच दिया, ठीक है। और जीएसटी कितना लिया, तो जीएसटी लिया 8% ऑन 27,000 माइनस एक्स, सही है एकदम। तो बी के केस में सीपी कितना होगा, 27,000 माइनस एक्स। बी के केस में इनपुट टैक्स कितना होगा, तो 8% ऑफ 27,000 माइनस एक्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोल रहा है कस्टमर, तो कस्टमर के केस में जब इसके सीपी इसका कितना था, एसपी, इसने जो लिस्ट प्राइस में खरीदा था उसी में बेच दिया। देखो बी के लिए एसपी कितना हो जाएगा, 27,000, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ने बोल ही दिया है कि सेल्स द सेम आर्टिकल टू कस्टमर एट इट्स लिस्ट प्राइस, तो लिस्ट प्राइस 27,000 था तो उसने 27,000 में बेच दिया, क्यों, क्योंकि उसने खुद थोड़े कम दाम में खरीदा था जैसा हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अब उसने नेट जीएसटी कितना पे किया है, 1944, अब हमें बी से रिलेटेड ही काम है तो चलो यहीं पे निकाल देते हैं। नेट जीएसटी क्या होता है, नेट जीएसटी होता है आउटपुट माइनस इनपुट, तो इनपुट तो हम लोग के पास है, उसको आउटपुट कितना मिला, तो ऑब्वियस सी बात है उसने कस्टमर को 27,000 में बेचा है तो 8% उसी पे जो टैक्स मिला वही आउटपुट टैक्स है, तो आउटपुट हो गया 8% ऑफ 27,000, ठीक है, और यही दोनों का डिफरेंस होगा 1944, तो 8% ऑफ 27,000 माइनस 27,000 माइनस एक्स का 8% इक्वल टू 1944, ठीक है, ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा, ये है मेरा आउटपुट टैक्स, ये है मेरा इनपुट टैक्स, दोनों का डिफरेंस है 1944। मैं इधर का थोड़ा इरेज कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि हमें सॉल्व करना है, थोड़ा स्पेस की कमी है। तो ये कितना हो गया, 8/100 हमने कॉमन ले लिया तो कितना हो गया, 27,000 माइनस 27,000 माइनस एक्स, ये हो गया 1944। तो 8/100 यहाँ पे 27,000 माइनस 27,000 कट गया और माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया 1944। 8 से ये खटेगा क्या, तो सपोज हो गया 8 2 16 34, 4 32 243, तो x का वैल्यू कितना हो गया 24300, ठीक है, तो 24,300 हो गया। तो ये x वही है जितने लोअर प्राइस में उसने बेचा, x वो दाम है जितने लोअर प्राइस में उसने बेचा, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर बी। तो डीलर बी ने 27,000 में नहीं खरीदा, डीलर बी में बी ने खरीदा 27,000 माइनस 24300, ठीक है, तो 007 कट गया, यहाँ 6, तो 2700 में ही खरीद लिया उस 27,000 के सामान को। तो डीलर बी ने कितने में खरीद लिया, डीलर बी का खरीदा उसने 2700 में और उस पर 8% जीएसटी भरा, तो 8% जीएसटी अब 2700 कितना होगा, 56,582 16 16 प्लस 5 कितना होता है 21, तो यहाँ पे 2700 216 619, तो इतने रुपए में ही उसने सामान खरीद लिया इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसे ध्यान से देखना। और एक बात और नोट करना, जो आपका सेना कॉन्साइज मैथमेटिक्स का पब्लिकेशन है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो रॉन्ग दिया है, उसका करेक्ट आंसर होगा 29
16। ये बात नोट कर लो कि सेलिना कॉन्साइज मैथमेटिक्स का ये जो नंबर 8 वाला सम है 1B का, उसका आंसर बुक में गलती से मिसप्रिंट हो गया है। तो करेक्ट आंसर विल बी 2916। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वो मैं कर दे रहा हूँ, बट जिसने भी अगर एक्सरसाइज फर्स्ट को देखा होगा तो बहुत अच्छे से कर पाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार फर्स्ट एक्सरसाइज को देखो, नहीं तो सेकंड बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। देखो, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट इन दिल्ली, ही मैन्युफैक्चर्स अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टीवी एंड मार्क्स इट एट ₹75,000। तो जो मैन्युफैक्चरर है उसने टीवी का दाम बैठा दिया 75,000। He then sells the TV set to a wholesaler. उसने इस TV set को किसे बेचा? Wholesaler को बेचा, ठीक है? At a discount of 30%. तो जो manufacturer था, मैं उसे M से बताता हूँ, उसने किसी wholesaler को बेचा जिसका नाम B यहाँ पे दिया हुआ है, जो पंजाब में रहता है। कितने में बेचा? Discount of 30% में बेचा, ठीक है? और TV का actual यहाँ पे दाम था कितना? 75,000, ठीक है? और बी ने फिर सी को बेचा, और बी ने जब सी को बेचा तो बी ने क्या किया? पहले दाम बढ़ा दिया, उसके बाद बेचा, ठीक है? और रेट ऑफ GST 5% है, तो सीधा सीधी बी का नेट GST ही निकालना है। अभी तक हम लोग ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 75,000 है, तो इसका SP कितना होगा? तो पहले ही बता दिया कि उसने 30% का डिस्काउंट दिया है, तो सबसे पहले डिस्काउंट निकालो, 30/100 × 75,000, ठीक है? ये कट गया, तो कितना हुआ? 15, 21, 22, तो 22,050, ठीक है? 22,500 हुआ ये, तो 22,500 उससे दाम घटा दिया, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? क्योंकि उसने डिस्काउंट दिया ना, तो यहाँ पे माइनस कर दो 22,500, तो 0, 0, 10 में से 5 गया 5, कटा 4 में से 2, 2, यस 52500, ठीक है? तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं जो मैन्युफैक्चरर है, उस मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस कितना है? 52500। मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस कितना है? 52500। उसने GST कितना वसूला? तो 5% लिया अपने इसी पे सेलिंग प्राइस पे, तो 5% ऑफ 52500 25 to 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 कैरी 1 और 26, तो GST लिया उसने कितना? 2625। ध्यान रखना, यहाँ पे एक्चुअल में उसका मार्क्ड प्राइस था 75,000, बट उसने डिस्काउंट दिया, इसीलिए उसका सेलिंग प्राइस हो गया 52,500, और GST हमेशा सेलिंग प्राइस पे लेते हैं। अब बारी आई बी की, तो बी के केस में CP कितना होगा? तो CP तो भैया जो M का SP था वही होगा, तो 52,500 होगा, बट इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट या इनपुट टैक्स बोल दो, वो होगा 2625, ठीक है? अब इसका आउट SP कितना होगा? तो ये बहुत चालाक था, इसने TV के दाम को बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया? होलसेलर बी रेजेस द MP ऑफ TV सेट बॉट बाय 30%। इतना चालू था कि उसने कॉस्ट प्राइस को भी 30% नहीं, बल्कि उसने मार्क्ड प्राइस को 30% बढ़ा दिया। सोचो, तो मार्क प्राइस तो 75,000 था ना, उसने उसी को 30% बढ़ा के बेचा, तो यानी पहले इसका 30% निकालो, इसका 30% कितना आया था? तो इसका 30% 15 कैरी 1 22500, 22,500 आया था ना, तो यानी कि उसका SP हो गया 75,000 पे, और इतना बढ़ा दो तो 00579750, इतना आया कैलकुलेट करके। तो सोचो, ये जो बी था वो इतना चालू था कि उसने जो मार्क्ड प्राइस है उसको और 30% बढ़ाया फिर बेचा, यानी 97500, ठीक है? चलो, तो ये हो गया हमारा इसका SP। अब ये इस पे GST लेगा, तो 5% लेगा ये 97500 पे, तो 9, 5, 5, 25, carry 2, 37 हो जाएगा 3, 45, 45 और 3 कितना हो जाएगा? 48, तो 4875 हो गया उसका आउटपुट टैक्स, ठीक है? तो ये आउटपुट टैक्स है, और इनपुट टैक्स कितना था? 2625, तो 05, यहाँ 22,
तो 2250 का टैक्स उसने ओवरऑल गवर्नमेंट को भरा। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 11 काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का। यहाँ क्या बोल रहा है, फॉर अ ट्रेडर मार्क्ड प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 15,680 इंक्लूसिव ऑफ GST। मतलब एक ट्रेडर है जो क्या बेच रहा है, रेफ्रिजरेटर बेच रहा है। उसने बोला, कोई से अगर पूछे कि रेफ्रिजरेटर का क्या दाम है तो वो बोलेगा कि 15,680 है। कितना है 15,680, और ये 15,680 में जो रेफ्रिजरेटर का एक्चुअल दाम है यानी SP है वो भी आ गया, साथ में उस SP पे लगा हुआ GST भी आ गया। मतलब वो ओवरऑल दोनों मिला के दाम बता रहा है, ठीक है, एट अ रेट 12%। और GST का रेट बोल रहा है कि मैं कितना ले रहा हूँ, 12%, ठीक है। तो अब एक गगन नाम का इंटरेस्टिंग सा कस्टमर उसके पास आता है रेफ्रिजरेटर लेने, एंड आस्क द ट्रेडर टू रिड्यूस द मार्क्ड प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर टू सच एक्सटेंड दैट द रिड्यूस्ड प्राइस प्लस GST ऑन इट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। देखो, ट्रेडर से जब रेफ्रिजरेटर का दाम पूछा तो उसने बताया टोटल 15,680, बट ये टोटल 15,680 क्या था, SP प्लस GST मिला के था 15,680। यहाँ को लोग मार्क प्राइस ही बोल रहा है, ठीक है, आप वो भी बोल सकते हो कि मार्क प्राइस प्लस GST था 15,680, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो गगन आया था उसने बोला कि आप क्या करो, रेफ्रिजरेटर के जो मार्क प्राइस है इसको घटा दो, और इतना घटा के कोई न्यू प्राइस में बना बैठ पहुँचा दो। मतलब आप अपने मार्क प्राइस मुझसे थोड़ा कम लो ताकि मैं इस न्यू मार्क प्राइस पे जब GST भरूं तो मैं आपको टोटल कितना पे करूं, ओल्ड मार्क्ड प्राइस जितना ही पे करूं, ठीक है। ध्यान से सुनना, उसने टोटल दाम बताया था 15,680 जिसमें मार्क्ड प्राइस और GST दोनों मिला के था। तो ये जो गगन आया उसने बोला कि इस मार्क प्राइस को कम करो और कुछ नया मार्क प्राइस, मतलब थोड़ा कम दाम लो मुझसे ताकि उस नए मार्क्ड प्राइस पे मैं तुम्हें GST भरूं और मेरा टोटल जो मिला के आए वो पुराने मार्क्ड प्राइस जितना आए, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, एक बार करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझो कि क्वेश्चन में बोला है कि टोटल प्राइस कितना बता रहा था वो ट्रेडर, 15,680, जिसमें मार्क प्राइस भी था और GST भी था। तो लेट मार्क प्राइस बी एक्स, ठीक है, तो एक्स है मार्क प्राइस प्लस इस पे 12% GST, तो हो गया 15,680। तो मार्क प्राइस प्लस 12% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू 15,680। तो 112x/100 इज इक्वल्स टू 15,680। देयरफॉर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15,680 इंटू 100/112, ठीक है। अब चाहो तो इसे कट कर लो, 4 से इजीली कट हो जाएगा, 4 2 8, यहाँ 4 8 यहाँ पे 4 3 12, 36 यहाँ 9, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0। देखो ये 7 से जा रहा है क्या, तो 7 से जा रहा है, 7 से 4 बार में जाएगा, ये 7 से 5 बार में गया, 35, 560 हो गया। ये 4 से जा रहा है क्या, तो 4 से जाएगा, ये 4 1 4 4 1 40, तो 14,000 हो गया। तो मार्क प्राइस कितना निकला, 14,000। तो अभी हमें इतना क्लियर है कि जो ट्रेडर दाम बता रहा था टोटल 15,680, उसमें से फ्रिज का दाम था 14,000 और GST लग रहा था बचा हुआ 1,680 रुपये, ठीक है। बट गगन का कहना था कि ये जो तुमने मार्क प्राइस 14,000 बताया है इसी को कम करो और कम करके कुछ इस दाम पे ले जाओ कि मैं तुम्हें उस कम दाम पे GST दे भी दूँ और टोटल मुझे तुम्हें 14,000 ही पे करना पड़े, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग मान लेंगे कि चलो उस शॉपकीपर ने दाम घटा दिया, कितना घटा दिया, लेट द रिड्यूस्ड प्राइस बी आर, ठीक है, रिड्यूस प्राइस को आर मान लेते हैं। अब उसने 14,000 में से आर घटा दिया, बोला कि तुम्हारा मार्क प्राइस ये है, ठीक है, तो अब इसी मार्क प्राइस पे मैं 12% का GST लूंगा, ठीक है। तो अब ये है वो अमाउंट जो गगन को पे करना है शॉपकीपर को, और गगन को कितना पे करना है, गगन को पे तो 14,000 ही करना है,
पुराना मार्क प्राइस जितना, तो बस यहाँ से आर का वैल्यू निकाल दो तो वो रिडक्शन आ जाएगा। तो ये कॉमन चला गया, यहाँ पे आया 1 + 12/100, यहाँ 14,000, ठीक है। तो ये हो गया 112/100, ठीक है। अगर इस 100 को उधर भेज दे तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 112 दोनों से हो जाएगा। तो 14,000 × 112 = 14,000 × 10। इसको इधर ले आओ, 112 को उधर भेज दो, तो 112 को उधर भेजा तो वो +112 R हो गया, इसको इधर लाया तो वो माइनस में हो गया। अब दोनों में मैं 14,000 कॉमन ले लूँ तो 12 × 112 − 10 = 12 हो जाएगा, और यहाँ 112 R हो गया। अब आप इन दोनों में से सब्ट्रैक्शन करके निकाल सकते हो ईजिली। फोर्टीन एट इज़ आपका होता है 112, तो 14 से ही काट दो, ये 14 से 1000 R में गया, ये 14 से 8 R में गया, 4 से 2 R में, 4 से 3 R में, 2 से 500 R में, 503 तो 1500। तो रिडक्शन इन कॉस्ट कितना हुआ, 1500। दैट्स इट, यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा पूरा GST। तो 8 वालों का भी फुल सिलेबस ख़त्म है, जाके चेक कर सकते हैं, 9 वाले भी कर सकते हैं, 10 वाले के लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट न्यू चालू हो चुका है, तो प्लेलिस्ट के साथ बने रहे। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमें अप्रिसिएशन देते रहे, बिकॉज उसके बिना बिल्कुल मूड नहीं होता वीडियो बनाने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिसिएशन दो, और यार 10K का हमारा एक मैं टारगेट रख रहा हूँ, वो जल्द से जल्द पूरा करो, ठीक है। तो ज़रा यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं कि एटलीस्ट हमारा टारगेट है 10K का, तो कोशिश करो कि इसे जल्द से जल्द पूरा करें, और चैनल के साथ बने रहो, ऐसे न्यू न्यू थिंग्स देखते रहो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।